सो नमस्कार मेरे फ्री फायर की आर्मी, आप लोग कैसे हो। तो आज मैं बहुत दिनों बाद लेके आ चुका हूँ एक फ्री फायर का बहुत ही बढ़िया वीडियो। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 सर्वाइवल प्लेसेस के बारे में, जो कि है बरमूडा रीमास्टर्ड में। सो गाइज, पहले मैं कुछ अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको टॉप 5 की लिस्ट बताऊँगा कि कौन कौन सा आपके लिए बेटर प्लेसेस रहेगा सर्वाइव के लिए, स्क्वाड सोलो डुओ खेलोगे तब। तो पहले मैं कुछ अपडेट बता देता हूँ कि जो फ्री फायर में जो रैंक गेम है उसमें आपको सिर्फ बरमूडा मैप मिलता था, तो इस बार आपको रीमास्टर्ड मैप भी इसमें ऐड किया जाएगा। तो भाई, रीमास्टर्ड आपको रैंक बैच में भी देखने को मिलेगा, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का फैसला किया। सो गाइज, अगर मैं जो प्लेसेस बताऊंगा वो आप क्लासिक बरमूडा को भी रिलेट कर सकते हो, बरमूडा मैप से भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि रीमास्टर्ड और बरमूडा मैप एक जैसा है, बस 4-5 प्लेसेस आपको चेंज कर दिए गए होंगे, आप लोगों को पता ही होगा। और इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट में बताऊंगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस मैं प्लेस बता दूंगा और आप लोग का वीडियो देखना ख़त्म, लेकिन नहीं, मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारा कुछ बताऊंगा, लूट के हिसाब से, स्क्वाड के हिसाब से, स्ट्रैटेजी के हिसाब से सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो का एंड तक देख लेना यारा, और 200 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो 200 सब्सक्राइबर जल्दी कर दो, सब्सक्राइब वाला बटन को दबा दो, और साइड में जो छोटा सा घंटा आएगा उसको भी ऑल पे प्रेस कर दो। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये वाला वीडियो में मैंने जो प्लेसेस रखा है वो मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से रखा है, तो आप लोग ये मत समझना कि ये वाला प्लेस है तो 5 नंबर पे ये है तो हमें यहीं उतरना चाहिए या फिर 1 नंबर पे है। सो आप लोग देखो, अगर रैंक में आता है तो कुछ चेंजेस हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने बरमूडा खेला है, लूट के हिसाब से, आपके स्क्वाड के टीमिंग के हिसाब से कैसे आप लोग सर्वाइव कर सकते हो, रैंक पुश कर सकते हो। और हाँ, कल मेरा एक और वीडियो आने वाला है जिसमें मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा आपको, कैसे गोल्ड से ग्रैंड मास्टर जाने का ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊँगा, तो आप लोग वो वाला वीडियो ज़रूर देखना। बट आज के वीडियो में पहला हम लोग जो प्लेस रखे हैं 5 नंबर पर वो है आपका शिपयार्ड। जी हाँ गाइज, आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा। तो गाइज, इस जगह पे बंदे भी उतरते हैं, लेकिन अगर आप में थोड़े से भी स्किल्स है तो आप यहाँ पर बंदे को ख़त्म कर सकते हो। तो ये भी मेरे लिए एक टॉप 5 वाला प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर देखो भाई लोग, लूट बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ये दो ठो आपको देख रहे हो, घर आपके स्क्रीन में शो कर रहा होगा, यहाँ पर लूट बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पर एक मशीन भी देखने को मिल जाता है जिससे कि आप गन भी ले सकते हो। तो ये शिपयार्ड बहुत बेटर प्लेस है आपके स्क्वाड के लूट के लिए, स्क्वाड भी आपका आराम से लूट सकता है। बट मैं जहां तक सोचता हूं कि डुओ या सोलो पे आपका ये वाला प्लेस बहुत ही ज्यादा काम में आएगा, तो यहां मैं 5 नंबर पे रखूंगा शिपयार्ड को। सो गाइस, अब मैं बात करना चाहूँगा नंबर 4 के बारे में। तो इस जगह पर मैंने रखा है कातुल लिस्तवा को। जी हाँ गाइस, आप लोगों के लिए ये वाला नंबर 5 पे होना चाहिए था, मुझे भी लग रहा था कि मैं इस नंबर 5 पे रखूँ, लेकिन जब से मैंने ये बरमूडा रीमास्टर क्लासिक में खेला है तो गाइस बहुत ही अच्छा खासा लूट मुझे इस जगह पर मिला है। सच्ची बताऊँ, आप लोगों को पता है ये बदनाम है लूट के लिए, लेकिन ये रीमास्टर्ड में बहुत ही अच्छा आपको लूट दे के देगा। सो गाइस, अब जो लोग अल्ट्रा प्रो प्लेयर हैं, अब वो लोग बोलेंगे भाई तुझे कैसे पता कि जो क्लासिक में है वो रैंक में भी मुझे मिलेगा लूट। सो गाइस, मैं बता दूं कि सिमिलर ही होता है लूट के हिसाब से। और गाइस, यहाँ पर आप मैं बताऊं तो सोलो ही खेलना ज़्यादातर तो आपका बेनिफिट होगा। सो ये मैंने रखा है 4 प्लेस पे, इसलिए ये वाला सर्वाइवल प्लेस, और बहुत ही अच्छा, यहाँ पर ना के बराबर कोई उतरता है, एक आध बंदे मिल जाएंगे आपको, मिल सकते हैं, तो अगर आप लोग प्रो प्लेयर हो तो भाई आप लोग आराम से ख़त्म कर सकते हो। तो नंबर 4 के लिए मुझे बेस्ट लगा कातुल लिस्तवा। अब चलते हैं हम लोग नंबर 3 की तरफ। सो गाइज, नंबर 3 पे मैंने रखा है एकेडमी को। जी हाँ गाइज, एकेडमी को जो फेमस है बुलजाइज के नाम से। सो ये गाइज बहुत ही चेंज हो गया है, और यहाँ पर भाई लूट भाई बहुत ही अच्छा खासा में मिलता है, साथ ही साथ यहाँ आपकी टीम भरपेट लूट सकती है। तो भाई ये बहुत ही अच्छा आपका प्लेस होने वाला है, सर्वाइव के लिए भी बहुत अच्छा प्लेस है। एक आध स्क्वाड में मैं बोल दे रहा हूँ हर प्लेसेस में कि एक आध स्क्वाड मिल जाएंगे देखने, कम से कम पीक और बरमूडा जैसे तो आपको नहीं दिखेंगे, सॉरी पीक और क्लॉक टावर जैसे तो बंदे आपको यहाँ नहीं देखने मिल जाएंगे। सो गाइज, ये बेस्ट प्लेस है, नंबर 3 पे मैंने इसलिए रखा है भाई बहुत सही प्लेस है ये, सर्वाइव करने के लिए भी अच्छा खासा आपको जगह मिल जाता है सर्वाइव के लिए। तो जो लोग रैंक पुश करना चाहते हैं बरमूडा रीमास्टर्ड में, तो ये होगा बेस्ट
प्लेस आपके लिए। नंबर थ्री पे मैंने बहुत ही सोच समझ के इसको रखा है, तो एकेडमी बेस्ट है नंबर थ्री के लिए। तो आपको कैसा लगा ये नंबर थ्री का प्लेस, ज़रूर से कमेंट में बताना। और ये मालूम है मैंने क्यों रखा है, तो मैं आपको वीडियो में देखने को मिला ही होगा, मैंने डायरेक्ट कातुल इस्तवास से छलांग मार के गया है एकेडमी की तरफ। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है आपका सर्वाइव के लिए, जो लोग छुप के खेलते हैं तो बहुत ही अच्छा है भाई, बहुत ही अच्छा। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कातुल इस्तवास से भागना कितना ईजी है। तो अब चलते हैं हम लोग नंबर टू की तरफ। सो गाइस, अब मैंने जो नंबर टू पे रखा है ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा। तो नंबर टू पे मैंने रखा है हैंगर को। एक्चुअली ये नंबर वन पे होता, लेकिन मैंने नंबर वन के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेस ढूंढ के रखा है। लेकिन अभी बात कर लेते हैं नंबर टू के बारे में। तो नंबर टू पे रखा है मैंने हैंगर को। जी हाँ गाइस, हैंगर भाई बहुत ही अच्छा जगह है आपके सर्वाइव करने के लिए, अच्छा खासा लूट करने के लिए। अच्छा खासा आप लूट करके क्लॉक टावर जा सकते हो, और साथ ही साथ आप जा सकते हो यहाँ क्या नाम है उसका, अपना ऊपर वाला घर, अरे पीखा, वहाँ जा सकते हैं आप लोग लूट करके। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है आपका सर्वाइव के लिए भाई, लूट। ये दो घर आप देख सकते हो, ये दो बड़े बड़े घर में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लूट मिल जाएगा, पेट भर लूट कर सकते हो आप लोग, बहुत ही खा सकते हो SMGMO को, SGMO को। सो बहुत ही बेटर प्लेस है ये। सो यहाँ पर मैं बात करूँ, ये दो जगह आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे स्क्रीन पर मैं यहाँ लूट रहा हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे घर मिल जाएंगे, उस सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर आप सर्वाइव कर सकते हो अच्छा से। तो ये नंबर टू के लिए बहुत ही अच्छा है गाइस, और यहाँ पर बस बहुत कुछ ही बंदे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, नंबर फाइव पे जिससे मैंने रखा है वो प्लेस बहुत ही अच्छा सर्वाइव के लिए, वहाँ ना के बराबर बंदे उतरते हैं। तो उसका नाम है कैराटॉन, या फिर हो केप टाउन, उसके बगल में ही है, ज़्यादा दूरी नहीं है दोनों में। सो गाइस, यहाँ पर मैंने बरमूडा रीमास्टर्ड में ज़्यादा तो नहीं उतरा है, 3-2 गेम प्ले करके देखा है यहाँ पर उतर के, भाई गजब का लूट मिला है यहाँ कैराटॉन में भाई, बहुत ही अच्छा लूट है। सोलो के लिए बेस्ट प्लेस है सर्वाइव करने के लिए, 3 घर मिल जाते हैं, 3 घर में अच्छा खासा आपको 2-4 गन मिल जाएगा। लेकिन आपको और अच्छा लूट चाहिए तो केप टाउन चल जाओ, केप टाउन में भी आपको अच्छा खासा ज़मीन पर ही लूट आपको अच्छा खासा मिल जाता है, और साथ ही साथ आप आराम से अपने दोस्त लोग को, अपने स्क्वाड को दे सकते हो बहुत सारा लूट, बहुत जी भर के लूट यहाँ पर है, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे घर है सर्वाइव के लिए, तो बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर एक डिसएडवांटेज सब जितने प्लेसेस बताए हैं सब में है कि यहाँ पर आपका जोन बहुत ही कम बनता है, तो ये आपको बात ध्यान में रखना है। तो आपको जोन के लिए तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, बट जो कल मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लाऊंगा वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर से देखना, और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दो। और हाँ, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ, बाय 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 बाय।